नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम छानबीन करने में जुटी है। इस बीच ईडी के सूत्रों ने बताया है कि अर्पिता मुखर्जी ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि उनके घर से जब्त किया गया सारा पैसा पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का है। अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया है कि पार्थ के आदमी ही यहां पैसे लाकर रखते थे या कभी कभी मंत्री पार्थ चटर्जी खुद भी आते थे। अर्पिता मुखर्जी ने यह भी दावा किया है कि उसे उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं थी जहाँ पैसे रखे जाते थे। ईडी के कबूलनामे में अर्पिता ने कहा है कि जो भी पैसे बरामद हुए हैं वो सभी पार्थ चटर्जी के पैसे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके ही आदमी यहां पैसे लाकर रखते थे। उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। उधर अर्पिता मुखर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को एक बार फिर उसके बेलघारिया स्थित फ्लैट पर छापा मारा जिसमें बड़ा कैश मिला। बुधवार को हुई छापेमारी में अब तक 21 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। जांच एजेंसी की निगरानी में कैश की गिनती जारी है। नोट गिनने के लिए 3 मशीनें लाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में ज्वेलरी भी मिली है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के सेल्फ से 3 किलो सोना जब्त किया गया है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास है। कुल मिलाकर अब तक 41 करोड़ कैश और 2.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर पर ईडी के करीब 18 घंटे छापेमारी चली जिसमें 29 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना मिला है। रात भर नोटों की काउंटिंग होती रही। इसके अलावा सोने के गहने और बिस्किट्स बरामद हुए हैं। बता दें कि इससे पहले भी ईडी अर्पिता के एक और घर पर छापा मार चुकी है जिसमें 20.9 करोड़ रुपए नकद और तमाम संपत्तियों के दस्तावेज जांच एजेंसी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के दोनों फ्लैट से अब तक 50 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हो चुकी है। इससे पहले बुधवार शाम को जांच अधिकारियों की टीम कोलकाता के बेलघारिया इलाके में अर्पिता के घर पहुंची थी और फ्लैट की चाबी ना होने के कारण ताला तोड़कर अधिकारी अंदर घुसे। ताला तोड़ने और तलाशी अभियान के दौरान गवाह भी बुलाए गए थे। खबरों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के इस घर से भी बड़ी बरामदी देखकर अधिकारी सन्न रह गए। बैंक अधिकारियों को तत्काल मौके पर बुलाकर नोटों की गिनती शुरू कराई गई। सूत्रों के अनुसार कुछ और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी को अलमारियों से कैश भी मिले हैं। सूत्रों का कहना है कि दूसरे घर से भी बेहिसाब रकम मिलने के बाद तो नोटों की गिनती के लिए 4 बैंक कर्मचारियों को बुलाना पड़ा। 5 काउंटिंग मशीनें लगाई गई। यहां तक कि अर्पिता के टॉलीगंज स्थित घर की तरह यहां बेलघारिया टाउन क्लब हाउस स्थित फ्लैट के वार्डरोब में नोटों के बंडल भी भरे हुए थे। यहां नोटों की गड्डियां मिलने की खबर के बाद भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बता दें कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी फिलहाल 3 अगस्त तक ईडी के हिरासत में है। उनसे लगातार शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ की जा रही है। ईडी का कहना है कि अर्पिता के घर से मिला कैश शिक्षा भर्ती घोटाले के जरिए कमाई की गई राशि है जो पार्थ चटर्जी की है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।